बैक टू माय चैनल। आज हम चला रहे हैं साइकिल। ये देखो मैं स्पीड में चला। इतना सारा पैसा है आपके पास, काम खुद क्यों कर रहे हो आप? नौकर चाकर लगाओ ना आप। हाँ नौकर ले नौकर। हाँ खा के छोड़ाता हूँ। हे गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, श्री राधे राधे हरे कृष्ण, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। अभी अपन ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, अंगूर खा रहे हैं और जूस अभी बन रहा है, मम्मी निकाल रहे हैं और पपीता मैंने खा लिया है। वही कल भी जो ब्रेकफास्ट किया था वही अपन आज ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, अंगूर पपीता और जूस पी रहा हूँ। आजकल जूस नहीं पिया था तो ये ब्रेकफास्ट है अपना। फिर आज लंच में अपन रोटी खाएंगे, क्लीन खाना है ब्रो, क्लीन। थोड़ा सा फैट लॉस करके रहेंगे अपन, ऐसे थोड़ी। लेकिन ये लो पी लो जूस। मैं कहने पी दी। पी लो फिर क्या? ना मैं कहने पी रही। ना ना पी लो। ना बेटे मैं कहने पी रही। मजा आ जाएगा। ना मैं कहने पी रही। दिल ये सीना ठंडा हो जाएगा पी के, मजा आ जाएगा। थोड़ी जी आज ठीक है तो ब्रो, नाम से उससे आता पहले। ना ना तो और जूस बन गया हमारा, अभी पीते हैं अपन पूरा। आते के बहु होंदे ना मां बहु होंदे ना। सैर सैर करो, सैर हवा दी सैर करो। लोग देख रहे हैं एक्टिव पे जाके वीडियो बना के जराई सैर करो। तो भाई दादी को चाचू के घर पे जाना था, मैं छोड़ने गया था। फिर वहां पे मम्मी का कॉल आता है कि बेटा पपीता कटा हुआ है, पपीता खा लो आके। मैंने कहा मम्मा मैं पपीता खा गया था, तो फिर आया हूं पपीता कटा हुआ है। ये होती है माँ, माँ का दिल, समझते हो बात को? यार भूख तो लग रही थी, यार भूख तो लगती है भाई, खा लेते हैं अपन। एक तो आज पूरा दिन लाइट नहीं आएगी, 4 बजे तक कट है यहाँ पे लाइट का, और इसलिए मैं अभी तक नहाया नहीं हूँ। पानी गर्म कैसे करूँ गीजर में भाई, लाइट तो होनी चाहिए ना उसके लिए। कल गोभी बनाओगे आप? कल गोभी बनाओगे? गोभी कटनी ना। हाँ काटो तो खा लूंगा कल। ये लो, सुंदर लग रहे हो आप इसमें वीडियो में दादी, आप फोन के कैमरे में सुंदर लग रहे हो। चिंता ना करना, मैंने कहा फोन के कैमरे में सुंदर लग रहे हो आप। अच्छा दादी सुंदर लगती है? बहुत सुंदर लग रहे हो। हाँ, इतने सुंदर लग रहे हो कि पूछो मत। हाय हाय ओए होए, मैंने मन भर गया आपको देख के। इतने सुंदर लग रहे हो आप। ये काम छोड़ दो, आप कहीं बाहर घूमने वूमने जाओ। ओए होए ख्याल करी ख्याल करी, हाय मैं गिरना वरना ख्याल करी। इतना सारा पैसा है आपके पास, काम खुद क्यों कर रहे हो आप? नौकर चाकर लगाओ ना आप। हाँ नौकर ले नौकर। मैं नौकर हूँ आपका, जो काम बोलो अभी कर देता हूँ आप। हाँ वो तो मैं आपको हाथों में उठा लेता हूँ, आप बोलो तो सही। वही अगले दिन की बात है, मैंने यूट्यूब पे एक पॉडकास्ट देखा था, तंत्र मंत्र वाला कोई बंदा आ रखा था वहाँ पे। वो बता रहा था कि अगर किसी पे जादू टोना करना हो ना, उसके नाखून पे, बाल पे, कोई भी कपड़े पे, उस पे करते हैं तो हो जाता है। अब तो साला नाखून काटते हुए डर लगता है भाई, कोई चाक के कुछ ज़्यादा टोना ना कर दे ऊपर। ओवर थिंकिंग देख रहे हो भाई साहब, कितनी तगड़ी लेवल की ओवर थिंकिंग है भी, कोई भी मेरे नाखून उठा के कोई जादू तोड़ना कर देगा तो ओवर थिंकिंग। कौन है तू? पकड़ लो, बोल हेलो गाइस यूट्यूब सक्सेसफुली। ये वो क्या बोल, जल्दी बोलो उस दिन की तरह बोल आज भी। तो हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आगे 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 साइकिल चला और आगे 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 बोल। हे गाइस वेलकम बैक बैक टू माय चैनल। आज हम चला रहे साइकिल, ये देखो मैं स्पीड में चला। अबे भाग गया कब भाई, खेलते रहते गली में रहता है मेरी, क्यूट है बेचारा समर्थ। तो ये सारे पेड़ मेरे घर के सामने हैं, अभी बिल्कुल सारे के सारे झड़ चुके हैं। कितना अच्छा व्यू लग रहा है, लेकिन अभी मार्च अप्रैल आएगा, गर्मी शुरू होगी, सारे के सारे पेड़ हरे भरे हो जाएंगे फिर से। जब खाना फ्री में मिल रहा होता है ना तो खा लेते होते हैं। तेरे को दिया क्यों मुंह बना रहा है वे, खा इसको उल्लू का पट्टा, देख देख कैसे नींद आ रही है, आलसी का बच्चा कहीं का, खा इसको, देख 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 आंखें कैसे बंद कर रहे, नींद आ रही है आलसी, खाता है नहीं, फ्री का बस बैठा है, खा इसको। ओए अम्मा के पीछे से भागो मम्मी, ये देख
तू क्यों डर रहे भाई, तेरे को कुछ नहीं कर रहा मैं। खा इसको, देख फ्री का खाना मेरा तो खाए। और उठाओ उसको, खा ले। तो भाई शाम के 6 बज चुके हैं और टाइम हो गया अपना जिम जाने का। 2 केले खाए थे एज अ प्री वर्कआउट, आधा पौना घंटा हो गया उसको। अब जा रहा हूँ मैं जिम, मंदिर से होके खाए थे। आज करेंगे अपन बैक और बाइसेप का वर्कआउट, आग लगा देंगे आग। जब से ये शेड्यूल स्टार्ट किया ना, तब से मेरे मन में एक्साइटमेंट बढ़ गई है। जब भी पूरे दिन में होता है ना कि यार फटाफट जिम जाने का टाइम है, मैं जिम जाऊँ वर्कआउट स्टार्ट करूँ, जब कभी भी शेड्यूल हम चेंज करते हैं तो ऐसा होता ही होता है मेरे को। तो गाइस फाइनली यहाँ पर रेडी है मेरी पोस्ट वर्कआउट मील, जो कि है सोया पनीर। इस पर कल की तरह थोड़े से मसाले डाल दिए और सॉस भी ऐड ऑन कर दी है। तो ये है मेरा प्रोटीन सोर्स और साथ में एक छोटा सा पीस ढोकले का, क्योंकि जब मैं घर आया था ढोकला बना हुआ था, तो मैंने कहा चलो एक पीस दे दो, बनता है कोई इशू नहीं, एक पीस से कुछ नहीं होता। और आप भी अपना मन मत मारा करो, एक पीस से कुछ नहीं होता, खा सकते हो, कोई इशू नहीं है। और ये प्रोटीन सोर्स अपना सोया पनीर, और ये है पपीता एज अ कार्ब सोर्स और फाइबर सोर्स। फ्रूट में कार्ब्स होते हैं और फाइबर होता है। तो अपना इस पोस्ट वर्कआउट मील को अपन एंजॉय करते हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि सॉस डालने से कुछ होता है या थोड़े से मसाले डालने से कुछ होता है, तो कुछ नहीं होता, ये खा सकते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। और वैसे भी जो काली मिर्च डाली है मैंने इसमें ज़्यादा, थोड़ा सा मसाला डाला होगा, ये तो काली मिर्च जो होता है उसका हल्का सा मिनिमल इफेक्ट हमारे फैट लॉस पे पड़ता है। मतलब वो हेल्प करता है, वो इफेक्ट नहीं करता, हेल्प करता है उल्टा। काली मिर्च अच्छी होती है तो खानी चाहिए, कोई इशू नहीं है। तो अपन इस मील को एंजॉय करते हैं आराम से। और फिर रात के बज चुके हैं, अभी 9:45 हो चुके हैं। आज ट्यूसडे है, मंगलवार है, तो हनुमान जी के मंदिर जाना है, तो अपन जाते हैं हर हफ्ते, तो ये खा लेते हैं साथ में, इसको एंजॉय करते हैं, फिर अपन चलते हैं हनुमान जी के मंदिर। ठीक है, आज मम्मी ने पहली बार इसको वैसे बनाया, क्योंकि कल मैंने सिर्फ पनीर के साथ में अलग सॉस रखी थी। मम्मी ने कहा आज मैं ऐसे बना कर देती हूँ तेरे को, तो चेक कर कि कैसा लगता है खाकर। तो मैं अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सा फीका फीका लगता है। ये किसी से सोया पनीर नहीं खाया जाता, मेरे से भी नहीं खाया जाता था, लेकिन ऐसे टाइम पे खाना पड़ता है, क्योंकि इसमें फैट नहीं होता ना, तो खाना पड़ता है। अगर मैं दूसरा पनीर लेने जाऊंगा उसमें फैट ज़्यादा होता है, तो इससे अच्छा है कि मैं यही खा लूँ, साथ लूँ तो खाना पड़ता है भाई। बॉडी बिल्डिंग में हर चीज़ आपके तरीके से नहीं होती ना, कि ये भी दे दो, ये भी खा लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ। हर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती, कुछ चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें सारनी पड़ती है। तो मंदिर जाने के लिए निकल चुका हूँ मैं। तो मंदिर से आ चुका हूँ और ये प्रसाद भी लिया था मैंने, ये बूंदी का प्रसाद है, आपको पता है बूंदी कितनी मीठी होती है। वैसे जब भी प्रसाद लेके घर जाता था, घर वालों को थोड़ा सा खिलाता था, बाकी सारा खुद खा लेता था। लेकिन अब तो अपन डाइट पे है, मीठा बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा खाऊंगा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं खा सकता, क्योंकि डाइट पे है अपन, मीठे में बहुत कैलोरीज होती है भाई। तो दिल तो है खाने का, बट मैं खा नहीं सकता, मजबूरी है मेरी, तो इसलिए प्रसाद के रूप में थोड़ा सा खाऊंगा। तो चलते हैं अपन अब घर। तो हम आ चुके हैं अब घर में, और इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच इस ब्लॉग को पूरा देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, एंजॉय योर लाइफ, गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इस ब्लॉग की एडिटिंग करूंगा, फिर सोऊंगा, ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय।